हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों और मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे आप सब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मी एंड माई यूट्यूब क्लास के अंतर्गत। हाँ बिल्कुल, आज हम बात कर रहे हैं अपना जो पिछला चैप्टर था उसको पूरा करते हुए। पिछला चैप्टर यानी बीए थर्ड ईयर वालों का जो पॉलिटिकल साइंस पेपर फर्स्ट में जो सिलेबस था, और जो ये देखना चाह रहे थे कि जो शीत युद्ध का जो अपना लेसन चल रहा था, इस शीत युद्ध के कारण हमने डिस्कस किए थे। इससे पहला वाला जो लेसन था कि शीत युद्ध किन कारणों से हुआ, ठीक है, वो देखा। शीत युद्ध का अर्थ हमने जाना था, और आज के वीडियो में हम इस पॉइंट को मैंने पहले नोटेट किया है, इस पॉइंट से हम आज जानेंगे कि शीत युद्ध होने से क्या प्रभाव पड़ा, यानी शीत युद्ध हुआ, इस शीत युद्ध का क्या प्रभाव पड़ा, क्या नुकसान हुआ। मतलब समझ में आ रहा ना आपको कि शीत युद्ध के होने से एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या घटनाएं हुई या क्या माहौल बना, तो वो हम देखेंगे, यानी असर इफेक्ट प्रभाव देखेंगे। तो जैसा कि आपको बता होगा, इस पहले पॉइंट से ही ये क्लियर हो रहा है कि शीत युद्ध का ये प्रभाव है ना, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ज़्यादा देखने को मिला। क्यों? क्योंकि विश्व दो गुटों में विभाजित हो गया, शीत युद्ध हुआ। अब देखो, सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद से ही शीत युद्ध प्रारंभ हो गया था, और सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो कुछ प्रभावशाली देश थे उनकी शक्ति कम होती गई, तो विश्व में दो ही शक्तिशाली महाशक्तियाँ या देश बसे। एक तरफ तो रूस सोवियत संघ था और दूसरी तरफ अमेरिका था। तो फिर क्या हुआ कि विश्व दो गुट में बढ़ गया। जैसे मान लीजिए विश्व है, अब इसमें शीत युद्ध वर्ल्ड वॉर के बाद बाकी देशों की शक्ति क्षीण हो गई, तो दो गुट रह गए। एक तरफ तो रह गया रूस, या हम कहेंगे सोवियत संघ, ठीक है, और एक तरफ रह गया USA। तो इस तरह से विश्व है वह दो गुटों में विभाजित हो गया, और ये दो गुट एक तरफ वो इसको महत्व देते थे, प्रभाव देते थे। तो इस तरह से क्या हुआ कि प्रॉब्लम ये आने लगी कि दोनों ही अपनी महत्वाकांक्षा, अपनी शक्ति को बढ़ाना चाहते थे। तो अब जैसे बात कर ले भारत, अब भारत किस गुट के साथ जुड़े, जी में तो दिक्कत है ना, क्योंकि अगर भारत सोवियत संघ से जुड़े तो अमेरिका नाराज हो जाएगा, और अमेरिका से जुड़े तो अपना सोवियत संघ मित्र है वो नाराज हो जाएगा। तो इस तरह से विश्व घटनाक्रम में ये जो शीत युद्ध हुआ, इससे जो विश्व है दो गुटों में बढ़ गया, ठीक है, और इससे फिर क्या हुआ कि आने वाली समस्या में, भले चाहे कश्मीर की समस्या हो, कोरिया की समस्या हो, अफगानिस्तान में समस्या हो, तो इस पर इस गुट का प्रभाव ज़्यादा देखा गया। कभी अमेरिका गुट है वो किसी राजनीति में प्रभाव डालता था, कभी ये डालता था, तो गुटबाजी कहीं ना कहीं नुकसान देती है। तो शीत युद्ध का प्रभाव ये हुआ कि विश्व दो गुटों में बढ़ गया। एक तरफ तो देश थे जो सोवियत संघ की ओर जुड़ गए, और एक वे देश थे जो अमेरिका की ओर जुड़ गए। तो विश्व दो गुटों की ओर हुआ, और इस तरह से विश्व में जो समस्याएँ थी उसका समाधान अब वो सही तरीके से नहीं हो पा रहा था जो होना चाहिए था। फिर बात करें कि आतंक और अविश्वास, आतंक और अविश्वास के दायरे का विस्तार हुआ। जब विश्व में दो शक्तिशाली गुट बन गए तो वो शांति तो चाहेंगे नहीं, क्योंकि दोनों अपनी अपनी शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं। तो इस तरह से विश्व में एक आतंक और अविश्वास का जो वातावरण है वो बनने लग गया। जैसा कि यहाँ पे भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं कि अमेरिका सोवियत संघ के मतभेदों के कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में तनाव, वैमनस्य यानी दुश्मनी, मनोमालिन्य, प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन के ये शक्तिशाली बने के वो बने, और इस तरह से दोनों अपने इस महत्वाकांक्षा के बलबूते पर अविश्वास का वातावरण पैदा हो गया कि अब विश्व में जो बाकी देश है वो किस पे विश्वास करें, इस पे करें या इस पे करें। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो माहौल है ना वो असमझ और आतंकवाद वाला हो गया, क्या पता कभी क्या घटना हो जाए। तो ये हुआ क्यों, क्योंकि ये जो शीत युद्ध जब अंत हुआ तो इसका असर है वो बहुत ही खतरनाक हुआ, और ऐसा माना जाने लगा कि अब इस शीत युद्ध की वजह से एक अगर सिंगारी लग गई ना तो पूरा विश्व है वो तीसरे युद्ध की ओर बढ़ जाएगा, यानी आग लग जाएगी। तो शीत युद्ध का ये एक बहुत ही ज़्यादा असर हो गया था कि अब एक ऐसा माहौल हो गया कि हम एक बारूद के ढेर पे बैठे हैं, एक तीली लगी और पटाखे से पूरा अस्त व्यस्त हो जाएगा, क्योंकि शीत युद्ध का माहौल ऐसा हो गया कि ये भी बहुत ज़्यादा सक्रिय और ये भी बहुत ज़्यादा सक्रिय हो गया। अब इस तरह से आतंकवाद गतिविधियाँ बढ़ी, और किसी न किसी कारण से जो माहौल है वो अविश्वासी माहौल हो गया, और ऐसा लगने लगा कि कभी भी अब तीसरी विश्व युद्ध की आशंका हो सकती है, कभी भी आतंकवाद भड़क सकता है। और इसीलिए नेहरू जी ने भी कहा था कि शीत युद्ध का अंत है लेकिन हम निलंबित मृत्युदंड के युग में जी रहे, कभी भी ये घटना हो सकती है। तो आतंकवाद को बढ़ावा देने का भी एक रीजन हम कह सकते हैं।
शीत युद्ध का तीसरा असर क्या हुआ? आणविक युद्ध की संभावना का भय। बिल्कुल आपको पता होगा सेकंड वर्ल्ड वॉर के समय 1945 में अमेरिका ने नागासाकी और हिरोशिमा में परमाणु बम का विस्फोट करवाया था। इस तरह से अब आने वाले समय में भी, क्योंकि जो परमाणु बम से युद्ध का नक्शा ही बदल गया पूरी तरह से, युद्ध जो हार रहा था अमेरिका, एक झटके से अमेरिका है वो विजय हो गया। तो अब इस तरह से बाकी देशों ने सोचा कि परमाणु शक्ति हमारे पास होनी चाहिए तो हम शक्तिशाली हो जाए, हम किसी भी देश को दबा सकते हैं। तो इस वजह को अगर हम देखें तो शीत युद्ध के अंतर्गत ही ये परमाणु जो युद्ध हैं या शक्ति हैं इसको और ज़्यादा बढ़ावा मिला, क्योंकि दो गुट थे वो चाहते थे कि मैं और शक्तिशाली बनूँ, ये कहते मैं और शक्तिशाली बनूँ। तो इनके बीच में परमाणु जो व्यवसाय है, जो परमाणु हथियार है, उसकी होड़ बढ़ने लगी और ऐसा लगने लगा कि आने वाले समय में कभी भी ये हथियार है वो लड़ाई झगड़ा या विश्व को बर्बाद करेंगे। क्योंकि देखिए जो हथियार होते हैं ना वह कभी ना कभी तो नुकसान करते ही करते हैं। जैसे तलवार है तो तलवार जब तक रक्त का टेस्ट नहीं लेगी तब तक वो कभी भी शांत नहीं बैठती। तो ये हथियार है, अगर आप हथियारों को और ज़्यादा बढ़ावा देंगे तो संभावना और ज़्यादा होगी, लोग डर डर के जिएंगे। तो शीत युद्ध की वजह से परमाणु युद्ध होने का भय उत्पन्न होने लगा। अब अगर हम देखें तो ऐसा लगता है कि अगर एक देश ने परमाणु हथियार इस्तेमाल किया तो दूसरा भी करेगा, और इस तरह से परमाणु हथियार का अगर इस्तेमाल हुआ तो विश्व है वो समाप्त हो जाएगा। जैसे रूस और यूक्रेन का एक माहौल था तो ऐसा लगा कि कभी भी परमाणु हथियार का यूज कर सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो जो यूक्रेन को बचाने के लिए दूसरे देश है रूस पर हमला करेंगे, इस तरह से पूरा विश्व है वो इस परमाणु हमले से एक ही झटके में खलास हो जाएगा। तो ये शीत युद्ध का एक और डर हुआ कि आणविक युद्ध कभी भी हो सकता है। और शीत युद्ध से क्या हुआ कि सैनिक संधियां और सैनिक गठबंधनों का बाहुबल्य बढ़ गया, क्योंकि शीत युद्ध में हर जो मतलब दो अगर बात करें तो इन्होंने अपनी गुटबाजी बनानी शुरू कर दी, सैनिक की गुटबाजी। उन्होंने कहा कि मैं एक अपना एक सैनिक शक्तिशाली गुट बना लेता हूँ ताकि कोई देश अगर डरे तो मैं उसकी सुरक्षा कर सकूँ। इसलिए इसने कहा कि आप मेरे साथ जुड़ जाइए, मैं आपकी सैनिक की रक्षा करूँगा। तो इसी तरह से यूएसए ने नाटो एक संगठन बनाया, इसी तरह अपने सोवियत इस रूस की संघ की बात करें तो इसने एक संघ बनाया जिसका नाम था वारसा, एक और बना सीटो। सीटो ठीक है ना, या इसका हिंदी में सीटो है तो सीटो ऐसे याद रखें। तो ये जो हमें बता रहा हूँ ठीक है ना, नाटो ये जो क्या है, ये एक सैनिक गठबंधन थे। क्या थे? सैनिक गठबंधन। और सैनिक गठबंधन होना मतलब कभी भी सैनिक की कार्रवाई हो सकती है। तो हुआ ये कि काफ़ी देशों ने मिलकर आपस में एक ऐसा गुट बनाया जो सैनिक गुट था, और ये व्यवस्था कर दी कि हमारे हम जैसे 15 देश है और हमारे लिए एक गुट बना, एक सैनिक संगठन बना जिसका नाम है नाटो। अगर हमारे 15 देशों में किसी एक पर भी हमला होता है ठीक है ना, तो इस एक के ऊपर हमला होता है तो ये 15 जनों का ये जो गुट है वह उस एक की रक्षा के लिए उस दूसरे को भगाएगा। इस तरह से ये सैनिकी मकसद से ये गुट बना, और हमले की आशंका और बढ़ गई। क्योंकि जैसे मान लीजिए मैं दूसरों को डराने के लिए मैं अपना एक गुट बना लेता शक्तिशाली गुट, और मैं कहता हूँ कि आप मेरे साथ आ जाइए, आपको सैनिक की सहायता मैं दूंगा। इस तरह से एक और अहिंसक और तनावपूर्ण वातावरण उत्पन्न होने लग गया, क्योंकि शीत युद्ध के दौरान ही अनेक सैनिक गठबंधन आए जो जिससे और युद्ध का खतरा बढ़ा और सैनिक संधियों को और ज़्यादा तवज्जो दी जाने लगी। फिर शीत युद्ध का एक और कारण ये हुआ कि शस्त्रीकरण की अविरल प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन। अमेरिका ने इतने हथियार इकट्ठे किए परमाणु हथियार तो सोवियत संघ का मैं भी कर रहा हूँ, दूसरे देशों ने कहा कि हाँ हम भी एक शक्तिशाली देश बनना चाहते हैं, हम दूसरे बड़े देशों के दबाव में कब तक रहेंगे, हम पिछड़ रहे हैं। तो वो भी अपने हथियार और हथियार बनाने लगे, यानी देश की व्यवस्था पे, देश के विकास पे, लोगों के कल्याण पे ध्यान न देकर जो पैसा होता था वो हथियारों को खरीदने में लगाया जाता था, क्योंकि वो सोचते थे कि अगर हथियार और सैनिक ज़्यादा होंगे तो हम दूसरे देशों को टक्कर दे सकते हैं। इस तरह से इस समय एक ऐसी लहर चली बिना रुके कि हर कोई अपने सैनिक हथियार बढ़ाना चाहता था, हर कोई अपनी शक्ति सैनिक शक्ति को दूसरों के मुकाबले बढ़ाना चाहता था। और जब ये
सैनिक शक्ति बढ़ेगी तो शांति कहीं नहीं होती, कहीं ना कहीं हिंसा माहौल और तनाव युद्ध होगा। और ये व्यवस्था प्रतिस्पर्धा का माहौल यानी कॉम्पिटिशन बढ़ा कि इसका मार्केट बढ़ा है तो मैं भी अपना मार्केट बड़ा बनाऊँ, मैं भी शक्तिशाली बनूँ, मैं भी ज़्यादा हथियार बनाऊँ। तो ये शीत युद्ध की वजह से हुआ कि शीत युद्ध के वातावरण में युद्ध न होकर एक हथियारों की होड़ हो गई थी, और जिससे तनाव ये हो गया कि जल्द ही एक नया विश्व युद्ध, तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक अशांति का माहौल पैदा हो गया। और इस वजह से ध्यान रखना कि संयुक्त राष्ट्र संघ शीत युद्ध में संयुक्त राष्ट्र संघ और सुरक्षा परिषद, तो मान लो जैसे एक लकवे की बीमारी लग गई, कोई उनके पास अधिकार कोई हक ही नहीं है, न्यूट्रलाइजेशन हो गया, उनके पास कुछ ऐसा करने का है ही नहीं। क्यों? क्योंकि जैसे हमने बात करी है यहाँ पे, तो शीत युद्ध की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सैनिक दृष्टिकोण को इतना महत्व दिया गया, यानी सैनिकों को ज़्यादा महत्व दिया गया, और इस वजह से संयुक्त राष्ट्र संघ है वह किसी भी कार्रवाई को ठोस तरीके से नहीं कर पा रहा था। क्यों? कि अगर जैसे रूस ने किसी सोवियत संघ ने किसी पे अधिकार किया, तो अगर वहाँ पे संयुक्त राष्ट्र संघ सही करने जाना चाहता है तो रूस है वो वीटो का पावर लागू कर देता है, और अमेरिका ने किसी पर तानाशाही करने से अगर वहाँ पे संयुक्त राष्ट्र संघ सही करना चाहता है तो अमेरिका ने वीटो का पावर करके संयुक्त राष्ट्र संघ को कमज़ोर कर दिया। यानी संयुक्त राष्ट्र संघ में जो 5 सदस्य थे उसमें 2 तो यही थे, तो इनके पास जो वीटो का पावर होने से संयुक्त राष्ट्र संघ है वो मान लीजिए लकवा या पंगू हो गया, ठीक है ना, जिसके पास एक अधिकार ही नहीं रहा, जैसा हो रहा है वो होने दिया जा रहा है, उसके पास इतना भी पावर नहीं है कि इस अंतर्राष्ट्रीय भयंकर वातावरण को संभाल सके। क्योंकि शीत युद्ध की होने से सुरक्षा परिषद जैसी एक महत्वपूर्ण संस्था है जिसके कंधों पर सुरक्षा परिषद जिसके कंधों पर भार है अंतर्राष्ट्रीय शांति का, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति बनाने का जो जिम्मा है वो सुरक्षा परिषद को दिया गया है, और इसको व्यवस्था संचालन करने का काम संयुक्त राष्ट्र संघ को दिया गया। लेकिन ये जो सोवियत संघ और अमेरिका की जो गुटबाजी है और जो सैनिक की जो नीतियाँ थी, इस वजह से ये जो वेस्टर्न जो इलाका था वो एक तरह से कैसा हो गया, एक तरह से मान लीजिए ये हो गया एक अखाड़ा, विश्व अखाड़ा हो गया, जिसमें संयुक्त राष्ट्र संघ एक दर्शक की तरह से अखाड़े को देख रहा है और कर कुछ नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि ये व्यवस्था ही ऐसी हो गई जिसमें 2 महाशक्ति अपने फायदे के लिए वीटो का प्रयोग करती है और शांति होने के ज़्यादा अपने उद्देश्य अपने मतलब को ज़्यादा महत्व देती है। इस तरह से शीत युद्ध की वजह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अशांति और ये जो माहौल है और ज़्यादा खराब हो गया था। अब अगर बात करें तो ये शीत युद्ध का ये नेगेटिव प्रभाव था, बिल्कुल शीत युद्ध के होने की वजह से ये इतना एक नेगेटिव प्रभाव पड़ा। अगर लेकिन फिर भी ध्यान रखना कि शीत युद्ध के होने से विश्व में कुछ अच्छा भी हुआ, अच्छा मतलब सकारात्मक चीज़ें क्या हुई कि शीत युद्ध के होने से विश्व में लोगों को समझ आया, तो शीत युद्ध की वजह से ही एक गुटनिरपेक्ष आंदोलन बना। क्या बना? गुटनिरपेक्ष आंदोलन चला, ठीक है ना। और इस गुटनिरपेक्ष आंदोलन के द्वारा ये समझ में आया कि अगर इनके साथ लड़े जुड़े तो सैनिक युद्ध होगा, इसलिए हम इन दोनों ही सैनिक की गुटों से न जुड़कर हम एक गुटनिरपेक्ष नीति का पालन करेंगे, और इसी के साथ गुटनिरपेक्ष आंदोलन बना। और जब आगे हम और बात करें तो विश्व स्तर पर जो बाकी देशों ने शांति को प्रोत्साहन दिया, क्योंकि हर बार अगर लगने लगा कि युद्ध हो जाएगा, लड़ाई हो जाएगी, झगड़ा हो जाएगा, तो अब लोगों को समझ में आने लगा कि शांति को भी बहाल करना जरूरी है, शांति को महत्व दिया जाना चाहिए, इसलिए शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को महत्व दिया गया। और शीत युद्ध के कारण ध्यान रखना कि तकनीकी ठीक है ना, और वैज्ञानिकता को प्रोत्साहन मिला। शीत युद्ध के कारण ये एक दूसरा पक्ष ये कि ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और वो नज़रिया मिला जो जरूरत थी, क्योंकि शीत युद्ध के कारण हर कोई अपने आप को डेवलप करना चाहता था, और डेवलप की दौड़ में अपने जो विश्व को एक तकनीकी और वैज्ञानिकता और नए नए आविष्कारों का फायदा मिला, ये एक अच्छी बात हुई है। और जैसे कि हम बात करें तो इसी तरह से शीत युद्ध के होने से संयुक्त राष्ट्र संघ में सुरक्षा परिषद के बजाय ये जो महासभा को भी एक महत्व दिया गया, और विदेश नीति में ये ध्यान रखा गया। इस तरह से शीत युद्ध के होने से अब जो विभिन्न देशों की जो विदेश नीति है वो यथार्थवादिता पर आधारित है। किसकी? यथार्थवादिता पर, कि जो विदेश नीति में वही बनाए जो वर्तमान उद्देश्य को पूरा करे, ऐसा नहीं कि दूसरे देशों को खुश करे। तो विदेश नीति में भी काफ़ी परिवर्तन हुआ, ठीक है, ये था। अब शीत युद्ध का अगर निष्कर्ष देखें, फाइनल कैलकुलेशन तो क्या होता है, तो ध्यान रखना शीत युद्ध की अगर हम बात करें तो 1989 में शीत युद्ध का जब समाप्ति का दौर आता है, ठीक है ना, 1989 वैसे शीत युद्ध की समाप्ति के अंत के कारण या अंत होने के क्या हुआ वो बड़ी लेवल पर पड़ेगी, लेकिन फिलहाल छोटे से पॉइंट को देखना है कि शीत युद्ध जैसे ही समाप्त होता है तो इसके समाप्त होने का रीज़न क्या होता है कि एक तो बर्लिन की दीवार जो होती है, बर्लिन की जो
दीवार है वो दीवार का पतन हो जाता है, यानी दीवार को गिरा दिया जाता है। चिकन शीत युद्ध की वजह से बर्लिन की जो दीवार है उसका पतन हो जाता है, तो लोग हैं वो आपस में एकजुट हो जाते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट दिया कि शीत युद्ध का एक दूसरा ये भी कारण था कि जर्मनी का एकीकरण हो जाता है। जर्मनी का एकीकरण शीत युद्ध समाप्ति का एक कारण ये भी है कि जो वारसा संगठन था, वारसा जो सैनिक संगठन था, गुट था, ठीक है ना, वारसा गुट, वो भी भंग हो जाता है, यानी तनाव कई स्तर पर थोड़ा कम हो जाता है। इसी के तहत दो महाशक्तियों के बीच में धीरे धीरे मधुर संबंध आते हैं। अगर बात याद हो तो 1989 के आसपास जब खाड़ी देशों में संकट खड़ा होता है तो सोवियत संघ और अमेरिका दोनों संयुक्त राष्ट्र संघ में एक साथ अपना डिसीजन देते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो शीत युद्ध में ये कारण समाप्ति के कारण भी रहे और कुछ फायदा हुआ, लेकिन ज़्यादा इस तरह देखें तो शीत युद्ध का एक नेगेटिव इफेक्ट है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो आपको जो मेरे प्यारे स्टूडेंट और जो साथी देख रहे हैं तो आपको समझ में आ गया होगा कि शीत युद्ध का अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में क्या प्रभाव पड़ा और क्या रणनीति आगे होने लगी, ठीक है। इसके अब यहाँ पे जैसे मैंने निष्कर्ष में आपको थोड़ा सा बताया कि शीत युद्ध समाप्त हो जाता है और कुछ पॉइंट यहाँ पे मैंने बताए जिसके, लेकिन इसका जो नेक्स्ट चैप्टर है ना वो पूरा उस पर दिया हुआ कि शीत युद्ध के अंत के क्या कारण थे, उसको बड़े लेवल पर हम समझेंगे। फिलहाल इस वीडियो से संबंधित अगर कुछ भी डाउट है तो आप अपने कमेंट कीजिए, अदरवाइज इस चैनल को आगे भी शेयर कर दीजिए ताकि जिनको जरूरत है वो इस चैनल से जुड़ सके मी एंड माई यूट्यूब क्लास पे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ये भी आप अपने कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद।